माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और सरकार ने दो महत्वपूर्ण फैसले अभी लिए हैं। पहला निर्णय है ई वेस्ट पार्क से संबंधित। पूरे देश में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ई वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है, तो दिल्ली सरकार ने आज निर्णय लिया है कि देश का पहला अपनी तरह का ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क दिल्ली में बनाएगी और इसमें साइंटिफिक और एनवायरमेंटल तरीके से जो भी मटेरियल होंगे वेस्ट में उपलब्ध उससे रीमैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाएगा। दूसरा फैसला दिल्ली में टूरिज्म का इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने और इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू टूरिज्म, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने दिल्ली फिल्म पॉलिसी बनाई है। इसका अगर मैं ऑब्जेक्टिव आपके सामने रखूं, सबसे पहले तो दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को दिल्ली से कैसे एसोसिएट करें, फिल्मों के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, हर आदमी अपने दिल्ली पे प्राउड महसूस कर सके, ये पॉलिसी इस बात को ध्यान में रखती है। दूसरा, दिल्ली की ब्रांडिंग हो, जो भी फिल्में बन रही हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उसमें दिल्ली एक फिल्म शूटिंग लोकेशन के ब्रांड के रूप में सामने आए, उसको हमने ध्यान में रखा है। कोई भी दिल्ली में जो फिल्म बनेगी, दिल्ली में जो फिल्म शूट होगी, उसको हम सरकार की ओर से लगभग 3 करोड़ तक की उसको सब्सिडी दी जा सकती है फिल्म प्रोडक्शन के लिए। इस पूरे सब्सिडी के लिए और इन फिल्म्स को सपोर्ट करने के लिए 50 करोड़ रुपए का दिल्ली फिल्म फंड एस्टेब्लिश किया जाएगा, एक दिल्ली फिल्म कार्ड प्रोड्यूसर्स के लिए जारी किया जाएगा और इस कार्ड को जो लोग इस कार्ड के जरिए दिल्ली में शूट करने की फैसिलिटी अवेल करना चाहेंगे उनको हम डिस्काउंट्स दिलवाएंगे। एक और चीज फिल्म पॉलिसी में इंपॉर्टेंट है, अभी तक दिल्ली में दिल्ली का कोई अपना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नहीं होता था, तो अब दिल्ली में भी हर साल एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ करेगा। दूसरा, एक और नए अवार्ड्स शुरू किए जाएंगे जो दिल्ली में शूटिंग होगी फिल्मों की, दिल्ली के लोअर लेवल के आर्टिस्ट, स्किल्ड लेबर्स और इन सबको लेके जो लोग फिल्म शूट कर रहे होंगे ज्यादातर, हमारा फिल्म एक्सीलेंस अवार्ड होगा, लोअर लेवल स्टाफ के लिए भी उसमें अवार्ड्स होंगे।